हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल सोमनाथ मिश्रा ब्लॉग्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सो आप सबको वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज मैं पहुंच चुका हूं आपके और मेरे फेवरेट सिटी गैंगटॉक में, जो कि सिक्किम का कैपिटल है। और आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि सिक्किम जो है हमारा 22वां स्टेट है। सो फ्रेंड्स, ये एक ऐसा स्टेट है जो कि एक अलग कंट्री हुआ करता था पहले, जहाँ पे चोगेल्स का राज चलता था। सो ये 16 मई 1975 इंडिया का पार्ट बना, जो कि 1975 में वोट के द्वारा 97% वहाँ का जो आदमी है, लोग हैं, वोट इंडिया के तरफ आया था। उसके बाद ही सिक्किम जो है इंडिया का यूनियन टेरिटरी में ऐड हुआ। और जो फ्रेंड्स, मैं अभी गैंगटॉक में आ चुका हूँ, यहाँ पर तकरीबन 1,40,000 लोग यहाँ पे रहते हैं। तो सिटी बहुत खूबसूरत है फ्रेंड्स, तो आप लोग भी आके एंजॉय कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आज का जो व्लॉग है बहुत ही स्पेशल होने वाला है। ये देशभक्ति का व्लॉग है। तो आज मैं गैंगटॉक आके, जो गैंगटॉक का ब्लैक कैट म्यूजियम जो है, ब्लैक कैट वॉर मेमोरियल जो है, उसका आज व्लॉग करूँगा, जो कि हमारे साथ चाइना का 1962 में जो वॉर हुआ था, तो उसी के लिए जो है ये म्यूज़ियम बनाया गया था, कि फ़ौजी लोगों का लाइफस्टाइल कैसा होता है, जो सिक्किम का राजा था चोगेल्स, सिक्किम कैसे हमारे अंडर आया, वहाँ का जो इंडियन आर्मी का जो फील्ड मार्शल श्याम मानिक शॉ है, बाबा हरभजन सिंह है, जिसके लिए सिक्किम फेमस है, जिसको बाबा जी के नाम पर भी जाना जाता है। तो आज मैं उसी का म्यूज़ियम आपको शो करूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो काइंडली लाइक, शेयर, कॉमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, यही है हमारा ब्लैक कैट म्यूज़ियम, जो कि ओपन फॉर ऑल है। आप सब इसको विज़िट कर सकते हो, विज़िट करके जो है वॉर मेमोरियल आप देख सकते हो म्यूज़ियम। और एक बात बता दो फ्रेंड्स, इस यहाँ का चार्जेस है सिर्फ 10 रुपये विज़िट करने का, और अगर आप माइक लेके जो हिस्ट्री है सुनते हो उसका भी 10 रुपये, मतलब 20 रुपये आपको लगेगा यहाँ पर। तो चलिए फ्रेंड्स, म्यूज़ियम विज़िट करते हैं। अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। तो दोस्तों, यही था आज का व्लॉग, आज का वीडियो, जो कि देशभक्ति पर आधारित है। अगर आप भी अपने इंडियन आर्मी से, भारतीय सेना के जवानों से प्यार करते हो, तो एक लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को और कमेंट में ज़रूर जय हिंद लिखिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी शानदार व्लॉग पे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।